ताऊजी याद कीजिए, कृष्णा ने आपसे कुछ कहा होगा। बता तो दिया, कुछ नहीं कहा। उसकी माँ के यहाँ भी फोन किया था, वहां कोई फोन उठा ही नहीं रहा। तो फिर कहाँ गई होगी? माया के घर तो नहीं गई? नहीं ताऊजी, माया के घर क्यों जाएगी? मैंने वहीं फोन नहीं लगाया तो माया को फोन लगा। नहीं लगा तो सही। जी ठीक है। हेलो। हेलो, मैं विशाल बोल रहा हूँ। तृष्णा है वहाँ पर? नहीं बेटा, तृष्णा तो यहाँ नहीं है। क्यों? नहीं, एक्चुअली वो घर पर नहीं है, तो मैंने सोचा शायद वहाँ पर आई होगी। कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं ताऊ जी, वो माया के घर पे भी नहीं। तो फिर कहाँ गई होगी? ये तो अच्छा हुआ तुमने लोगों को बता दिया और वो तुम्हें मेरे क्लिनिक में छोड़ गए। बैठो। कृष्णा, आर यू स्ट्रेस्ड? जी, नहीं तो। मुझसे झूठ मत बोलो। जी, नहीं डॉक्टर अंकल। आई थिंक मैं कमजोर हो गई हूँ इसीलिए, वरना पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। कृष्णा, तुम्हें ससुराल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं तो। एक मिनट, मैं मिस्टर खुराना से बात करता हूँ। नहीं डॉक्टर अंकल, प्लीज ताऊजी को परेशान मत कीजिए। मैंने कहा ना, मैं कमजोर हो गई हूँ इसीलिए। कृष्णा, मैं तुम्हारा डॉक्टर ही नहीं, साइकियाट्रिस्ट भी हूँ। तुम जो चाहे कह लो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम परेशान हो। तुम्हारी जो भी परेशानी है, जो भी बात है, मुझे सच सच बता दो। तुम्हें अपने डॉक्टर अंकल की कसम। अंकल, मेरी बीमारी अब औरों पर ही नहीं पर मुझ पर भी बोझ बन गई है, और मैं ये बोझ उठाते उठाते थक गई हूं। बस अब मैं रुखसत हो जाना चाहती हूं। मैं अपनी जिंदगी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर कोई मेरे लिए परेशान है, दुखी है। हर किसी को मुझसे कोई ना कोई उम्मीद है, और मैं किसी की भी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकती। डॉक्टर अंकल, मुझे जिंदगी नहीं मौत चाहिए। ऐसा नहीं कहते मेरे बच्चे, जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। भगवान ने हमें जिंदगी दी है, मौत से लड़ने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए। जिंदगी और मौत की लड़ाई में आखिर जीत तो मौत की ही होती है ना। हाँ दोस्ती है यार। जयेश भाई साहब, और जयेश भाई साहब क्या है यार, है वो पदमसी को डिजाइन भेजे थे, क्या हुआ उसका? सर आपके सामने कल कुरियर की थी। कल? ओए हाँ यार, भूल गया, पता नहीं मुझे भूलने की बीमारी हो गई है यार। हाँ ओए करण काका, ये रहा तेरा लव लेटर यार, ये भी देना भूल गया था मैं। लव लेटर? हाँ भैया, बड़े छुपे रस्ता में तुम भी है। काका हम तो लिफाफा देख कर इस पर इतर की खुशबू से बता देते कि ये लव लेटर है। भाई दिलदार सिंह जी, ऐसी किस्मत हमारी कहाँ? और छठ पर आए यार, किस्मत की बात कर रहा है कौन है मिस निम्मी ये फिर है? ये मेरे गवर्नेंस की बेटी है। गवर्नेंस? मेरे माँ बाप के मरने के बाद इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। निम्मी उन्हीं की बेटी है। और बाय द वे, ये चिट्ठी निम्मी ने नहीं, उसकी माँ ने लिखी है।
निम्मी को खत पर अपना नाम लिखने का शौक है, समझे? ओ, ओ, ओ अच्छा अच्छा ठीक है यार, कमाल है। क्या हो गया काका? बड़ा चेक रहा था अभी तो, क्या हो गया? कोई बुरी खबर है क्या? मिसेस नार को अंजना की शिकायत हो गई। ओहो यार, ये तो वाकई बुरी खबर है यार। तू तो माँ की तरह मानता है ना उनको? उन्होंने मेरी मदद भी मांगी। अच्छा, कुछ एडवांस चाहिए? मैं करवा दूंगा। पैसों की कोई बात नहीं, वो चाहते हैं कि मैं उनकी बेटी निम्मी को यहाँ अच्छी सी नौकरी पर लगा दूँ। निम्मी को नौकरी पर? वो आया कहाँ निम्मी? फिलहाल तो वो भोपाल में है, पर वो यहाँ आ रही है मुंबई में मेरे पास। दिलदार सिंह जी, मिसेस नायर के मुझ पर बहुत एहसान है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में मुझे सिर्फ दिया है, कुछ लिया नहीं है। अब मेरी बारी है। नाना काका, तू चिंता ना कर यार, कमाल है, बुला ले निम्मी को यार, नौकरी का जुगाड़ कर लेंगे कुछ। बुला ले, बुला ले। सच? उसे नौकरी मिल जाएगी? हाँ यार, मैं बैठा हूँ ना यार, मैं देख लेते क्वालिफिकेशन क्या है, और हुआ तो अपने ऑफिस में दिलवा देंगे यार उसको नौकरी, क्या है। पर अपने ऑफिस में तो कोई जगह खाली है ही नहीं। काका, जगह खाली है नहीं पर हो जाएगी। सुनील जो है ना, वो रिजाइन कर रहा है, एक महीने का नोटिस दिया है। सुनील आउट, निम्मी अंदर। चलो फिर तो अच्छी बात है, यानी कि मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। ना ना काका, सुनील के जाने से काफी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी वैसे। यार हम तो बैठे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हैं, मेरी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती यार। कमाल है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा यार मेरी प्रॉब्लम कौन सॉल्व। पूरी टेंशन हो रही है यार मेरी। भाभी आ गई ताऊ जी। अरे कहाँ गई थी? जानती है कितना परेशान हो गए थे हम। संस्कारी, तुमने बताया नहीं? हमने? ओ, मैं तो तुम्हें भी बताना भूल गई। दरअसल ताऊ जी, मैं जल्दबाजी में संस्कारी को भी बताना भूल गई। पर कहीं कहाँ थी? मैं माँ के यहाँ गई थी ना। माँ के घर मैंने फोन किया, वहां तो फोन कोई उठा नहीं रहा। वो मार में मंदिर गए थे, वहां पूजा थी ना इसलिए। आइंदा बता के जाया कर बेटे। जी ताऊ जी। प्रणाम। जी तेरा बेटा। बस बस बहू, खुश रहो। कैसी हो माँ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तुम्हारा सफर कैसा रहा? फर्स्ट क्लास, सारे काम हो गए। माया कैसी? कहाँ है वो माया? उसे रहने दो बेटा। क्यों, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या माँ जी? पता नहीं, उस बच्ची के मन में कोई बात जरूर है जो वो कह नहीं पा रही। तुम वाकई अपनी माँ के घर गई थी? हाँ। मैंने वहां फोन किया था, तुम वहां नहीं थी। मैं माया से मिलने गई थी। ओह माय गॉड, क्या काम आया ने? तुमसे कोई गलत बात तो नहीं की?
उसने जो भी किया सही किया। कृष्णा, मैंने ही तुम्हें इस झमेले में घसीटा है, मुझे माफ कर दो, गलती मेरी ही थी। मैं जानता हूं कि माया ने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा होगा। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि माया ने मुझसे कुछ कह दिया, मुझे तो दुख इस बात का है कि सब कुछ पाते पाते मैंने बहुत अच्छा दोस्त खो दिया। और मैंने अपनी मोहब्बत, She will never forgive me now, Krishna. मैंने उसे खो दिया है, उसे खो दिया। I deserve it. लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरे किए की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि सारी उम्र मुझे इसका पछतावा रहेगा। I hate myself for losing. Vishal, Vishal, मैं तुम्हें माया को खोने नहीं दूंगी। अब ये मुमकिन नहीं है कृष्णा। मुमकिन है विशाल, से कह दो कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की और फिर तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हो त्रिशा? तुम जानती हो कि ये मेरी गलती है। अगर मैंने शराब नहीं पी होती तो ये सब कुछ नहीं हुआ होता। समझने की कोशिश करो विशाल, मैं तो बस कुछ दिनों की मेहमान हूं। कृष्णा, ये तुम ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा मुझे? माया मुझसे नफरत करने लगेगी, यही ना? लेकिन आगे तुम दोनों को अपनी जिंदगी गुजारनी है, तुम दोनों को अपनी जिंदगी संवारनी है विशाल। इतने से छूट से तुम दोनों की जिंदगी खुशगवार हो जाती है तो फिर मेरा मकसद तो पूरा हो ही गया। तुम तो जानते हो कि मैंने तुमसे शादी क्यों की विशा। मरने से पहले मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूं विशाल। अगर तुमने ये झूठ नहीं बोला तो माया तो तुमसे जिंदगी भर नफरत करती रहेगी और इससे ना तो तुम खुश रहोगे ना ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। विशाल प्लीज, मेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरी कर दो। माया से कह दो कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। And believe me विशाल, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम इतनी अच्छी क्यों हो तृष्णा?
क्योंकि उसने मुझे एक अच्छी जिंदगी नहीं दी। माया, ये सब क्या कर रही हो? अपने भविष्य में उजाला करने के लिए अपने अतीत को जला रही हूं। ये विशाल के खत है और अब मेरी जिंदगी में इनकी कोई अहमियत नहीं।